जम्मू कश्मीर के डोडा में पटनी टॉप के जंगल में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ पर नजर हमारी बनी हुई है, जो इस वक्त भी जारी है। इसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई, जबकि सेना के राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन दीपक भी शहीद हो गए। पिछले 5 दिनों में ये चौथी मुठभेड़ है। सेना ने बताया कि आतंकवादी हथियार छोड़कर फरार हो गए, भाग गए। अमेरिकी M4 राइफल भी बरामद की गई है, यानी कि तबाही का जखीरा देखिए किस तरह से आतंकियों के पास मौजूद था, जिसे छोड़कर वो भाग गए। आतंकियों के 3 बैग में कुछ विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। आतंकी आकर क्षेत्र में एक नदी के पास छिपे हुए हैं और कोशिश जवानों की यही है कि एक भी आतंकी किसी भी कीमत पर बचने ना पाए। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए लगातार कोशिश आतंकियों के खात्मे की जाती रही है, जिसमें कामयाबी हमारे जवानों को मिलती भी रही है और एक और बड़ी कामयाबी की उम्मीद है, क्योंकि अब भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने है। आतंकियों को देखा जाता है, भारतीय सेना के जवान उन आतंकियों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें एक आतंकी घायल हो जाता है, लेकिन उनके साथ जो बाकी 3 आतंकी, जो कि बताया जा रहा है कि 4 टोटल आतंकी थे, बाकी आतंकियों ने सेना के एक अफसर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद एक जो सेना का अधिकारी था वो शहीद हो गया है। छाती पर 3 गोलियां लगी थी, जख्मी हालत पर उनको अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन अपने जख्मों का ताव ना सहते हुए वो देश के लिए वो बलिदान हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है इन घने जंगलों में। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखने की कोशिश करें, नारायण दत्त आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इन घने जंगलों में ऐसा इलाका है ये पत्नी टॉप का, हालांकि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, लेकिन इनके पीछे पहाड़ियों पे आप देखिए किस तरीके से लोगों के यहाँ पर घर हैं। मौसम खराब है, धुंध हो जाती है, बेहद मुश्किल हो जाता है ऐसे इलाके में सर्च ऑपरेशन करना या जंगलों में छुपे आतंकियों को ढूंढना। लेकिन आपको बता दें कि ये जम्मू संभाग में फिर से जो आतंकवादी घटनाएं रिवाइव हो रही हैं, उसके चलते आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक हमला हो रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पे हैं और उनको भी आए दिन ये मैसेज मिलता है कि पाकिस्तानी आतंकी जो है ज्यादा तादाद में जम्मू संभाग में घुस गए हैं। और इस एनकाउंटर की जानकारी को लेकर हमारी सहयोगी कोमल लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। कोमल, आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है देश की सुरक्षा से जुड़ी ये पूरी खबरें जब सामने आती हैं, खासतौर से आतंकियों को लेकर, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि कैसे ये फन अपना फैला रहे हैं, तबाही का जखीरा तक जिस तरह से बरामद किया गया। देखिए बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो जखीरा हथियारों का इनके पास था वो वहां पर उस समय छूट गया जब सेना के जवानों ने ताबड़तोड़ आतंकियों पर फायरिंग की और वो अपने जख्मी आतंकी को बचाने के लिए वहां से कंधों पर तो ऑब्वियसली उठा के लेके गए होंगे, लेकिन हथियारों का जखीरा और M4 गन उनकी वहां पर छूट गई, जिसकी वजह से ये भी खबर आ रही है कि जंगल में छिपे आतंकियों के पास ज्यादा हथियारों का जखीरा नहीं है और सेना के जवान जो भी ताबड़तोड़ फायरिंग उन पर कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक आतंकी जो जख्मी था वो ढेर हो चुका है। ये सबसे बड़ी कामयाबी रीना इस समय मिल रही है कि एक आतंकी जो जख्मी था वो मारा गया है और बाकी के 3 आतंकियों के पास ज्यादा हथियारों का जखीरा नहीं है। ये इनपुट भी मिल रहा है कि उनको भी ढेर करने में कामयाबी जो है वो आज जल्दी ही मिल जाएगी। घने जंगलों में ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है और चारों तरफ से इलाके को घेरा हुआ है सबीना, और जो आतंकी है इनके पास ज्यादा हथियारों का जखीरा नहीं है, इनके पास जो गन थी जिनको उठाकर कंधों पे लेकर गए हैं उसका बाकी असला जो है वो 3 जो बैग है उनमें ग्रेनेड और बाकी ज्यादा असला पड़ा है। ज्यादा देर तक ये आतंकी तो है। बहुत बड़ी अपडेट हमारी सहयोगी कोमल दे रही है कि बहुत
ज्यादा बड़ा जखीरा इनके पास अभी हथियारों का नहीं है। जल्द ही कामयाबी यहां पर हमारे जवानों को मिलती हुई नजर आती है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद के खात्मे के लिए देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करें तो यहां पर बड़ी बैठक हो रही है। रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जिसमें NSA अजीत डोभाल तीनों सेना के प्रमुख मौजूद हैं। और इस बैठक में जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद को खत्म करने के लिए रणनीति पर मंथन हो रहा है, ताकि जड़ से खात्मा आतंक का, आतंकी सरगनों का और साथ ही आतंकी संगठनों का किया जा सके। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव कराने को लेकर दिल्ली में निर्वाचन आयोग की गृह सचिव अजय भल्ला के साथ अहम बैठक चल रही है और बैठक में यह तय होगा कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव के इंतजाम हालात और संभावनाओं के लिए अनुकूल है या फिर नहीं है। गृह सचिव से सुरक्षा रिपोर्ट मिलने के बाद ही निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव कार्यक्रम तैयार करेगा, क्योंकि बात जम्मू कश्मीर की है। अमन चैन कायम रहे, किसी भी तरह से कोई उपद्रवी जो है इस दौरान खलल ना डाले, ये रिपोर्ट देखिए यहां पर सबसे ज्यादा अहम हो जाएगी। ऐसे में दिल्ली में ये बहुत बड़ी बैठक।